केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री आज अपने दौरे के दौरान बीकानेर पहुंचे। इस मौके पर शेखावत ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की और फर्स्ट इंडिया द्वारा चलाई जा रही क्लीन IGNP मुहिम के बारे में जानकारी दी, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने फर्स्ट इंडिया की जमकर तारीफ की। वहीं फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा गया कि मैं इस मुद्दे के साथ सुप्रीम कोर्ट गया था और इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र से जो बन पड़ेगा वो इस पर मदद करेगी। एक्सक्लूसिव बातचीत 1048 दिन 104 योजनाएं और 54 देशों से अधिक की यात्रा नरेंद्र मोदी ने की। और पेट्रोल डीजल भले ही महंगे हो गए हो, लेकिन कर्नाटक में दक्षिण में कमल खिला है। फार्मूला क्या है? और बहुमत मिलने के बाद में जब संसदीय दल का नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिस दिन चुना गया था, उस चुनाव के दिन संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्होंने संबोधित करते हुए एक बात कही, ये जो मतदान और ये जो फैसला भारत की जनता ने हमारे पक्ष में किया है, आज मेरे कंधे जो है उत्तरदायित्व के बोझ से और अधिक झुके हुए हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ में, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि मैं विश्वास के साथ में ये कह सकता हूँ कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान इनको समर्थित रहेगी। तौर पे खड़े व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है और केवल एक एजेंडे के साथ में कि हम विकास के साथ में और विकास के लिए काम करेंगे और भारत के मेक में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे। विकास के नाम पर सियासत की बात आप कर रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सब विश्वासघात किया, रिकॉर्ड पेट्रोल डीजल की वृद्धि हुई, उसके लिए मोदी जी को याद रखा जाएगा। देखिए, अशोक गहलोत साहब ने क्या कहा है मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से देश महंगाई की जिन परिस्थितियों से, जब पूर्ववर्ती सरकार में 2014 के समय में जो इन्फ्लेशन इंडेक्स था, उस समय की जो परिस्थिति थी, केवल पेट्रोल और डीजल के महंगाई से केवल देश भर की महंगाई को नहीं मापा जा सकता, लेकिन जो इन्फ्लेशन इंडेक्स उस समय में 2014 में भारत में मोदी जी की सरकार बनी थी, उसके पहले के दो वर्ष में, उससे पहले के तीन वर्ष में, पांच वर्ष में जो इन्फ्लेशन इंडेक्स था, जो थोक मूल्य सूचकांक था, उसको और आज को कंपैरिजन करेंगे तो ये पिक्चर अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। अशोक गहलोत साहब केवल राजनीतिक हितों को साधने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए इस तरह के विषय को ला रहे हैं। कैंपेन चला रहा है क्योंकि आप देख रहे होंगे, आप कितने किसान हैं, कृषि मंत्री हैं, जो जहरीला पानी आ रहा है उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं राघव साहब धन्यवाद देना चाहता हूँ फर्स्ट इंडिया को और विशेष रूप से आपको कि आपने ये प्रश्न किया, क्योंकि मैं इस प्रश्न से बहुत गहराई के साथ में जुड़ा हूँ। जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले समाज के सीमावर्ती क्षेत्र के संगठन के साथ काम करता था, तब भी ये विषय आया था। और बुड्ढा नाला जो इस कैनाल में उसका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जाता था, उसके माध्यम से हम उस समय में एक संस्थान के माध्यम से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में उसको बंद किया था। मैं इस वास्ते अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान की मुख्यमंत्री को कि उन्होंने बहुत कठोर शब्दों के साथ में पंजाब की सरकार को भी इस विषय में बात की है। और मैं पंजाब की कांग्रेस की सरकार और पंजाब के मुखिया आदरणीय श्री अमरिंदर सिंह जी की भर्त्सना आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि ये निश्चित रूप से निंदनीय नहीं, अमानवीय भी है। इस कैनाल के माध्यम से करोड़ों लोग अपनी प्यास बुझाते हैं और उनको इस तरह का इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट उस पानी में मिलाने से निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है, जिसके लिए अमरेंद्र सिंह जी को और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोगों को जनता भी माफ नहीं करेगी और भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। जी, आप राजस्थान में घूम रहे हैं, लगातार ये जो भीड़ बढ़ रही है, वो सियासी संकेत, सियासी मायने इसके क्या हैं? देखिए, मैं इसको न तो कोई सियासी संकेत की तरफ लेता हूँ, न मायनों की तरफ के दृष्टिकोण से देखता हूँ। मैं एक संगठन के दायित्ववान सिपाही, संगठन के दायित्ववान सिपाही की तरह काम करता हूँ और मुझे मेरे संगठन की जो आदर्श है उसमें व्यक्ति कभी महत्वपूर्ण नहीं होता और पद भी कभी महत्वपूर्ण नहीं होता। जिस किसी भी क्षेत्र में काम देगा उसके साथ में काम करेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो ये थे गजेंद्र सिंह, उन्होंने कहा पार्टी के कैंपेन की तारीफ की और कहा कि बहुत अच्छा इशू है, राजस्थान सरकार तो इसके साथ ही है, केंद्रीय स्तर पर भी जो कुछ बन पड़ेगा वे जरूर करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ लक्ष्मण राठौर।